गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लॉकडाउन के हवाले से, कैसे फिनिश किया जाएगा और कब फिनिश होने वाला है और कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या चीज़ सबसे पहले ओपन होगी। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आपको कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया वो 4 मई में स्टार्ट होगा ये सिस्टम वगैरह, और सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ओपन हो जाएगी और उसके अंदर भी मेजरमेंट और रिस्ट्रिक्शन वगैरह लाजमी रहेंगी। अभी भी जो भी है वो डिसाइड कोर्ट वगैरह करेगी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह डिसाइड करेगी कि उनके वो जो हियरिंग सिस्टम है कितने बंदे जो है ना वो अंदर जा सकते हैं, लिमिटेशन वगैरह जो है वो प्रॉपरली रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम है, लेकिन वो ओपन हो जाएगी, वो केसिंग वगैरह जो है ना हियरिंग वगैरह दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, केसिंग वगैरह ओपन केस वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो जो भी सिस्टम है वो नॉर्मली चल पड़ेगा, लेकिन जो बंदों की तादाद है जाने की अटेंड करने की ठीक है वो कम हो जाएगी। जो भी उन्होंने मेजरमेंट सिस्टम बनाना है वो अभी लेटर जो है ना वो डिसाइड करेंगे, वो अनाउंस कर देंगे। इसके अलावा सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वैसे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो सिस्टम स्टार्ट होगा 4 मई से क्या क्या चीज़ें ओपन हो जाएंगी, बाकी तकरीबन ओवरऑल सब चीज़ें ओपन हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, कर्फ्यू वगैरह जो है वो 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक ये रहेगा, स्टिल रहेगा। तो जो ओपन वगैरह चीज़ें हो रही हैं वो 4 मई से तकरीबन ऑल चीज़ें ओपन हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि बीच वगैरह क्लोज हैं, ठीक है आप नहीं जा सकते, और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो आप जाते थे ट्रैवल वगैरह करते थे जैसे लॉट स्पोर्ट्स के दूसरी सिटी वगैरह में जाने के लिए वो अलाउ नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप स्पोर्ट वगैरह करते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो आपको ये भी हो गया कि 3 मैसेज हो चुके हैं, आप दिन में 3 मैसेज करके आप जा सकते हैं बाहर, पहले 1 मैसेज था। तो बाकी आप वॉकिंग के लिए जॉगिंग के लिए वगैरह जा सकते हैं, पार्क वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बंदे गैदर टुगेदर नहीं हो सकते, 10 बंदों का जो है ना वो परमिशन दी गई है। तो इस वाले से अभी तक मुझे प्रॉपरली कन्फर्मेशन वगैरह नहीं है। फिनरल वगैरह, वेडिंग वगैरह, लार्ज वेडिंग वगैरह वो अटेंड करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप अगर आप रिलीजन के कोई भी अटेंड कर रहे हैं जैसे कि मस्जिद वगैरह में या चर्च वगैरह में या मंदिर वगैरह में जाने के लिए जा रहे हैं, तो वो सिस्टम उसकी लिमिटेशन वगैरह मुझे उसे कन्फर्म नहीं है कितने बंदे जो होंगे, लेकिन ये बताया कि ज़रूर आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो मॉल हैं या स्टोर्स वगैरह हैं जैसे कि क्लोथ स्टोर वगैरह हो गए, शूज़ स्टोर वगैरह हो गए, जिस तरह के शॉपिंग मॉल वगैरह हो गए, वो अभी तक जो है बंद रहेंगे, वो 21 मई के बाद ही शायद ओपन होंगे, लेकिन उनके बारे में डिसाइड बात करेंगे। फेज़ 1 में यही उन्होंने बताया कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी की सारी जो है ना ओपन हो जाएंगे, उसके हवाले से जितने भी बिजनेस रिलेटेड शॉप्स वगैरह वो भी ओपन हो जाएंगी, यहाँ तक कि कॉफ़ी शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह वो जो है ना ओपन हो गए हैं, ओपन एयर जो बार्स वगैरह वो भी ओपन हो गई हैं अभी फेज़ 1 में, 4 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि ये समझ लें कि 4 मई से ना तकरीबन ये समझें 50% जो है ना या 60% जो लॉकडाउन जो है ना वो हटा दिया जाएगा, लेकिन कर्फ्यू जो रिमेन सही उसी तरह रहेगा। अगर आप इस दौरान बीच में वगैरह में जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं स्पेशली, तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं स्विमिंग के लिए, लेकिन उसके लिए भी रूल्स हैं कुछ, ठीक है बनाए गए हैं। आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपको पता है कि बेड वगैरह नहीं मिलेंगे, ओपनिंग वगैरह तो नहीं हुई है प्रॉपरली, तो इस वजह से जो है ना खैर बचें जाने से, क्योंकि आपको 10 बजे से लेके रात 6 बजे तक जो है ना कर्फ्यू सेम रहेगा। जैसा कि मैं रात को आ रहा था, मुझे भी पुलिस वगैरह रोका, पूछा कि यार किधर काम करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके उसके बाद छोड़ दिया था, वरना 300 फाइन पक्का था। तो खैर अभी एक और मज़े की बात यह है कि भाई बाल बड़े हुए हैं, लेकिन बाल बार्बर वगैरह ओपन जब होंगे कब होंगे भाई, 20 मई से बाद, तो बाल वगैरह कटिंग वगैरह तब भी होगी 21 मई के बाद, कोई मसला नहीं है यार, 1 महीना और वेट कर लेंगे, 21 डेज रह गए हैं, तो उसके बाद ही वगैरह ओपन होंगे, शॉपिंग वाल वगैरह तब भी उसके बाद ही ओपन होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रॉपरली जो फिनिश होगा वो तकरीबन 2 से 3 महीने ले सकता है, ठीक है जो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम रहेगा वो, आप अगर 21 मई है या 22 मई है या जो जून है या जुलाई है कोई मसला नहीं उसका, लेकिन 1 जून से लेके स्विमिंग वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह उनके लिए जो है ना वो भी सिस्टम उन्होंने मेयर वगैरह डिसाइड किया हुआ, वो बाद में बताएंगे कि यार क्या टाइमिंग होगी, क्या सिस्टम होगा, लेकिन ओपन हो जाएंगे 1 जून से, 21 जून से तो ना वो तकरीबन जैसे समझ लें कि ऑल स्टोर्स वगैरह मॉल वगैरह वो उन्होंने ओपन करने हैं। तो बाकी जो है ना ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बेटर होती जा रही है। तो इसी वीडियो में मैं ये बताता चलूँ आपको जॉब लेस परसेंटेज कितनी हो चुकी है, भाई जॉब लेस परसेंटेज वगैरह ना जो है ना वो तकरीबन जो है ना राइज कर गई है बनस्पत के पिछले साल की, या इस फैब तक जो थी उसके बाद लॉकडाउन हुआ था तो जो वो बूस्ट कर चुकी है, पहले 5.81 से की थी कुछ थी, अभी जो है ना 6 पॉइंट पे तकरीबन चली गई है, मैं श्योर नहीं हूँ कन्फर्मली, लेकिन मैं अभी आपको देख के बता सकता हूँ कि हाँ इसकी जो परसेंटेज वगैरह है वो तकरीबन जो है ना 6.7% चली गई है जॉबलेस मार्च के अंदर ये डिसाइड किया था, पहले जो 5.8 थी फरवरी के अंदर, तो ये सूरत हाल चल रही है। देखें बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ दी है, कुछ बंदों ने कुछ बंदों को निकाला गया था,
जैसे कि मैं एक कंपनी जो है बहुत जानी मानी कंपनी है ठीक है इधर, तो उसने भी अपने जो है ना एम्प्लॉई वगैरह को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना टर्मिनेट कर दिया था, और यहाँ तक कि उनको बेनिफिट लेने के लिए भी जो है ना वो उनकी हेल्प वगैरह नहीं की है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है जिनको जॉब्स को गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताया गया कि आप क्लोज करें, तो कुछ लोग थे वो जो परमानेंट एम्प्लॉई वगैरह थे जो उनको पैसे मिलने थे गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंपनी ने ऐसा किया कि वो उनके फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया, उनका जो भी सिस्टम है डाटा वगैरह आगे फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया लेबर अथॉरिटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जो भी इसकी है हेल्थ है या मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके पास जो है उन्होंने बिल्कुल डाटा फॉरवर्ड नहीं किया, उनको पैसा कुछ नहीं मिला और टर्मिनेट कर दिया। और उनके हालात इस टाइम ये हैं कि भाई मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो क्या कर सकते हैं भाई, इन फ्यूचर फिर जॉब वगैरह ओपन होनी है फिर भी उन्हें मजबूरी करनी पड़ेगी तो वो अपनी कंपनी के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते। बहरहाल जो भी सिस्टम बनाया है बहुत बुरा हुआ है। खैर इस बात को मैं बाद में डिस्कस करूँ, लेकिन जॉब लेस परसेंटेज देखेंगे 6.7% चली गई है 5.8% से, तो इस मीन कि यार ये कंट्री के अंदर ही बंदे जो है ना वो बढ़ रहे हैं ठीक है, उनको काम कैसे दिया जाएगा। और इसके हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली मना किया गया है जो बंदे जो है ना एल्डर पीपल की केयर कर रहे हैं वो बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है ना नॉर्मली रहेंगी, उनके लिए जो भी मेजरमेंट है वो दोबारा से वो सेम रहेगी अभी तक, लेकिन दोबारा से वो ज़रूर बताएंगे कि क्या सिस्टम करना है। हाँ वो बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं इस हवाले से, या फिर वो काम करती हैं जैसे कि वो माएँ या वालदैन वगैरह वो काम करते हैं जिनके बच्चे वगैरह छोटे हैं, तो वो भी बेनिफिट वगैरह ले रहे हैं इनसे, वो घर बैठेंगे स्टिल तो बेनिफिट वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ जो है ना बाकी जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो जाएगी, बाकी सर हर बंदा जो है ना काम पर नॉर्मली चला जाएगा तो वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कम अज़ कम जो है ना स्टार्ट जो ओपन हो रहे हैं बिज़नेस वगैरह वो ज़रूर जो है ना वो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, जैसे कि आपको पता है लेबर अथॉरिटी के पास पैसा जो है ना वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, ऑलरेडी दे चुकी है गवर्नमेंट, तो वो भाई कंगाल हो चुकी है इस टाइम। खैर कंगाल तो किया भाई, कितने सालों से कमाते जा रहे हैं, तो और एक दफ़ा आया सिस्टम वन मंथ और टू मंथ के अंदर अंदर सब पैसा दे दिया, पता नहीं कितने 50,000 जिस 40,000 बंदों को दिया है पैसा। खैर तो हमारे जो जाने वाले बंदे हैं उनको कम ही मिला है भाई पैसा, जितना मिला है खैर काफ़ी हद तक मिला है, उन्होंने भी टैक्स वगैरह पे किए थे, इंश्योरेंस सोशल इंश्योरेंस वगैरह काफ़ी हद तक पे की हुई थी, 5-6 साल तक उन्हें मिले हैं पैसे। तो इसके हवाले से जो कॉलेजेस वगैरह हैं और स्कूल के हवाले में बताता चलूँ कि जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं या गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह हैं बच्चों के लिए जिनके लास्ट ईयर वगैरह चल रहे हैं तो वो ओपन होंगे, वो स्कूल वगैरह जाएंगे, बाकी के हवाले से जो है ना अभी तक वो अनाउंसमेंट नहीं हुई क्योंकि वो रिमेन क्लोज रहेंगे वो नहीं जाएंगे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की उसके हवाले से मैंने तो अभी तक न्यूज़ वगैरह नहीं सुनी स्पेशली, लेकिन 4 मई के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि कब ओपन हो रहे हैं क्योंकि आप ईमेल वगैरह रिसीव कर लेंगे। और मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अभी तक वेट कर रहे हैं वीज़े वगैरह का या प्रोसेस वगैरह का जो भी सिस्टम बनाया हुआ है, तो लाजमी 4 मई के बाद या पहले आप ईमेल कर सकते हैं कॉलेज को, जब वो भी क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड चला जाएगा तो वो आपको जो है ना ईमेल बैक जो है ना लाजमी रिप्लाई करेंगे कि कब हम ओपन हो रहे हैं या कब सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बाद ही हम बता सकते हैं कि जून सेशन जो है ना वो फिनिश हो चुका है, तो सितंबर में वो लेंगे या नहीं लेंगे स्टूडेंट वगैरह को या क्या सिस्टम बनेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट वगैरह का काम वगैरह पोजीशन वगैरह वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्टूडेंट वगैरह काम के लिए हर जगह पे वो ईजिली जो है ना अवेलेबल मतलब मिलेगा स्टूडेंट को काम वगैरह अभी इस सिस्टम में। जितनी मुश्किल आई आपको पता है मुश्किल के बाद एक आसानी ज़रूर आती है, तो मुझे उम्मीद है कि यार उन स्टूडेंट के लिए मसला वगैरह नहीं होगा जिनके जो बैठे हुए थे घर में अभी वेट कर रहे थे कि यार कब लॉकडाउन वगैरह ओपन होगा तो कब हम काम वगैरह जाएंगे, तो होपफुली कि उनके लिए जो है ना वो बेटर जो है ना आगे होगा फ्यूचर वगैरह जो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो काम वगैरह काफ़ी लड़कों को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीनेशनल कंपनियाँ वगैरह आई हुई हैं डिलीवरी वगैरह के लिए, यही एक बेस्ट जॉब है यार जिसमें जो है ना हेडेक वगैरह नहीं होती, आप अपना काम सीखें और करें। खैर इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप घर से निकलते हैं और अपना ये सिस्टम बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्द आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस वगैरह के लिए एक मेरी पहली वीडियो देख लें कब आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास वीडियो वगैरह पड़ी हुई है ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह थी जो मैं आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा था, होपफुली गाइज ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वगैरह होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे मेरी वीडियो देखते रहेंगे, तो इसी तरह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।